गोंदिया जिले में खरीफ सीजन की पृष्ठभूमि पर फर्जी बीज उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग ने 9 भरारी टीमों का गठन किया है। भरारी टीम के माध्यम से धड़क मुहिम जिले में अचानक निरीक्षण किया जा रहा है। कृषि केंद्र के निरीक्षण के दौरान बिक्री लाइसेंस में मूल प्रमाण पत्र को शामिल न करना, निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न करना, शेष स्टॉक और मूल्य सूची को अग्रभाग में पोस्ट न करना, स्टॉक और बिक्री का रखरखाव न करना, रजिस्टर एवं भौतिक स्टॉक का मिलान न होना, बेचे जा रहे कृषि इनपुट का क्रय बिल न रखना, ग्राहक को दी गई क्रय रसीद पर ग्राहक के हस्ताक्षर न लेना, वित्तीय वर्ष में एक बार भी व्यापार न करना आदि 14 निवेशकों के लाइसेंस 2 महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं और 8 निवेशकों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं। कृषि सेवा केंद्र चालकों द्वारा बीज, रासायनिक उर्वरकों एवं उर्वरकों की लीचिंग का स्टॉक करने अथवा अधिक दर पर उर्वरक बेचने पर कानून के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। किसानों को खाद, बीज और कीटनाशकों की खरीद अधिकृत लाइसेंस प्राप्त कृषि सेवा केंद्र से करनी चाहिए। खरीदते समय कृषि आदान केंद्र से क्रय सामग्री का पक्का बिल प्राप्त करें। MRP के अनुसार ही सामान खरीदने को प्राथमिकता दें तथा MRP से अधिक मूल्य पर सामान बेचने पर कृषि विभाग को शिकायत करें। जिलाधीक्षक कृषि अधिकारी गोंदिया ने बताया है कि इस पर तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित के विरुद्ध बीज अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। गोंदिया जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामाला सुरुवात झालेली आहे। अशा स्थितीमध्ये शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणामध्ये कृषी सेवा केंद्रामधून निविष्ट खरेदी करीत आहे, ज्यामध्ये बियाणे, खते आणि कीटकनाशकाची सुद्धा खरेदी काही प्रमाणामध्ये सुरू झालेली आहे। मॅक्झिमम जास्तीत जास्त बियाण्याच्या बाबतीमध्ये आणि खताच्या बाबतीमध्ये शेतकऱ्यांची सध्या मागणी वाढत आहे। अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी जे कृषी सेवा केंद्रामध्ये खरेदी केलेल्या निविष्ठा ज्या आहे, या निविष्ठा खरेदी केल्यानंतर आमचे भरारी पथक 9 तयार केलेले आहे। या भरारी पथकामार्फत आम्ही पूर्ण जिल्ह्यामध्ये 8ही तालुक्यामध्ये कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी करत असतो। काही ठिकाणी तक्रारी आल्या असेल तर त्या ठिकाणी आम्ही विशेष तपासणी आपण करत असतो, परंतु कृषी सेवा केंद्रामधल्या तपासण्या आणि उणीवा जर आढळल्या तर आम्ही त्या कृषी सेवा केंद्राला नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करत असतो। अशा परिस्थितीमध्ये आम्हाला कृषी सेवा केंद्रामध्ये अनियमितता आढळून आली, त्या कृषी सेवा केंद्रांना आम्ही त्यांना निलंबित केलेले आहे आणि 8 कृषी सेवा केंद्र जे आहे की ज्यांनी कुठल्याच प्रकारच्या निविष्ठा खरेदी विक्रीचे व्यवहार केलेले नाही अशांचे परवाने आम्ही कायमस्वरूपी रद्द केलेले आहे। अशा प्रकारची कारवाई आपण यात केलेली आहे। यामध्ये प्रामुख्याने निलंबनामध्ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, उगम प्रमाणपत्र किंवा एखाद्या शेतकऱ्याला जर देयक बिल दिले असेल तर देयकावर शेतकऱ्याची स्वाक्षरी न घेणं, साठा पुस्तिका अद्ययावत न करणे, बोर्ड व्यवस्थित लावले नाही आणि विक्रीसाठी ठेवलेल्या या ज्या निविष्ठा आहे त्याची संपूर्ण माहिती उपलब्ध न करून देणे किंवा न ठेवणे, या अशा बाबीवर आम्ही या कायदेशीर कारवाई करून यांच्यावर निलंबनाची कारवाई आणि कायमस्वरूपी परवाना रद्दची कारवाई केलेली आहे। NBC News के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।